नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज से ठीक 7 महीने पहले 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से लोहा लेने के लिए विपक्ष के 26 राजनीतिक दलों ने मिलकर एक महागठबंधन बनाया। इसे नाम दिया द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी इंडिया। लेकिन अलग अलग विचारधारा रखने वाले विपक्षी दलों का महागठबंधन चुनाव के ऐलान से पहले ही बिखर गया है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने एकला चलो का ऐलान कर दिया है। पंजाब से भगवंत मान ने अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। बिहार से नीतीश कुमार के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त विपक्ष का महागठबंधन इंडिया बिखर रहा है, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। किसी के दया से या सत्तारूढ़ पार्टी की मदद या दया, जो भी कहिए, मैं उनकी दया या आशीर्वाद लेते हुए और मदद लेते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कहीं कुछ अंतर विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं। ये हो नहीं था। अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। क्या 2024 चुनाव में ममता बनर्जी का फैसला नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने में मददगार होगा? सियावर रामचंद्र की क्या आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान का कदम बीजेपी की राह आसान बनाएगा? देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं, नहीं कोई बात नहीं। वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। क्या लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? 24 के चुनाव से पहले ही विपक्ष का इंडिया गठबंधन खंड खंड दिखने लगा है, तो क्या लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले ही इंडिया गठबंधन की फूट प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी जीत की गारंटी बनने वाली है? इंडिया गठबंधन के टुकड़े टुकड़े होने का ऐलान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद किया। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया तो वो थोड़े गुस्से में भी थी और उनकी बातों में तलखी भी थी। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने 3 बड़ी बातें कही, जिसमें पहली बड़ी बात ये थी कि उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने नकार दिया है। दूसरी बड़ी बात ये थी
कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। यानी 23 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के इरादे से विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन धूमधाम से लॉन्च हुआ था, चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही वो बुरी तरह बिखरता दिख रहा है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। पश्चिम बंगाल में मजबूत स्थिति रखने वाली ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बस में चढ़ने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी टीएमसी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों से कोई चुनावी तालमेल नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह पंजाब में मजबूत स्थिति रखने वाली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी पार्टी दिल्ली में तो इंडिया गठबंधन वाली बस में चढ़ सकती है, लेकिन पंजाब में वो किसी से सीट शेयर नहीं करेंगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। ममता बनर्जी और भगवंत मान की तरह नीतीश कुमार भी इंडिया को बड़ा झटका देने का सिग्नल दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब ये कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी हवा का रुख बदलने लगा है। बीजेपी को हराने के लिए मतभेदों, असहमतियों और वैचारिक तकाजों को ताक पर रखने वाले राजनीतिक दल अपने अपने असल एजेंडे के साथ सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दंगल में जब जब मौका मिला, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी है जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है।
जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन टुकड़े टुकड़े होता दिख रहा है, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपना मेगा चुनाव अभियान शुरू करने वाले हैं। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 का बिगुल फूंकने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज 25 जनवरी को बुलंदशहर से करेंगे। बुलंदशहर के शूटिंग रेंज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा करेंगे। 24 के चुनावी अभियान की पहली जनसभा कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि बुलंदशहर के शूटिंग रेंज मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इतना तय है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषण में राम रथ पर सवार होंगे। अयोध्या के श्री राम का भव्य मंदिर बनने का संकल्प पूरा होने का जिक्र उनके भाषण में जरूर होगा। मुमकिन है पहले की तरह इंडिया गठबंधन भी उनके निशाने पर। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। इन लोगों को पता है कि इनकी नई दुकान पर भी कुछ दिनों में ताला लग जाएगा, और आज इस चर्चा के बीच देश के लोगों को इस घमंडिया गठबंधन की आर्थिक नीति से भी सावधान करना चाहता हूं। ये घमंडिया गठबंधन ऐसी अर्थव्यवस्था चाहता है जिससे देश कमजोर हो और उसका सामर्थ्य बढ़ न पाए। एयरपोर्ट बन रहा है रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छा लग रहा है। आस्था, अर्थव्यवस्था और विकास, 2024 का चुनाव जीतने के लिए ये पीएम मोदी के 3 ब्रह्मास्त्र हैं। इसलिए अपनी चुनावी रैली में भी प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट यूपी को विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। इन योजनाओं में पीएम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और अलीगढ़ कन्नौज 4 लेन हाईवे शामिल हो सकता है। जिस समय देश की गली गली राममय है, उस वक्त अयोध्या में राम मंदिर के अनुष्ठान से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे तो उनकी बातें पहले से ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 14 में से 8 सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी की 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ये सीटें हैं सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, संभल, अमरोहा और मुरादाबाद। बीजेपी ने 24 के चुनावों में इन सभी सीटों पर भगवा परचम लहराने की बड़ी तैयारी की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान का आगाज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के चुनावी कार्यक्रमों में बीजेपी को भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। बीजेपी ने इस भीड़ के बड़े हिस्से को वोट बैंक में बदलने की पूरी तैयारी की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 50 लाख नए मतदाताओं को भी साधने का मिशन लॉन्च कर दिया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे।
फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। इसलिए वोट करने के लिए आपका नाम लिस्ट में आए इसके लिए जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 5000 से ज्यादा जगहों पर मौजूद 50 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर से वर्चुअल माध्यम से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में करीब 7 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट टाइम वोटर को बीजेपी का वोट बैंक बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। चुनाव में पीएम मोदी की इसी मेहनत और मैनेजमेंट के सामने विपक्ष बौना हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।